कहाँ गायब हो? 3 हफ्ते हो गए, वीडियो नहीं बनानी क्या? अरे यस गाइस, आई एम बैक अगेन. मैं थोड़ा बिजी था कहीं किसी काम से, बट यस आई एम बैक अगेन फाइनली विद अनदर वीडियो बाय एल्विश यादव. द वीडियो नेम इज हेरा फेरी. मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैं वीडियो फर्स्ट टाइम OBS के थ्रू अपने लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर आपको लगे कि वीडियो क्वालिटी इज वेरी टट्टी तो आई अपोलोजाइज. मैं नहीं कर सकता कुछ, मेरे पास वेबकैम नहीं है, पैसे नहीं है वेबकैम खरीदने के, लेकिन ले लेंगे, नॉट अ बिग डील, ज्यादा टाइम नहीं लगता. तो यस गाइस, आज आई एम गोइंग टू बी रिएक्टिंग ऑन अ वीडियो बाय एल्विश यादव नेम हेरा फेरी. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो पे जंप करता हूँ मैं, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे. और अगर हाँ, अगर आप मुझे सजेशन दे सकते हो कोई अच्छे वेबकैम का जो 1500 के बजट में हो और उसकी बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी हो, तो डू कमेंट डाउन. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. तो यस गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एल्विश यादव ने इस वीडियो में क्या धमाल मचाया है. मैं एल्विश यादव का बहुत बड़ा फैन हूँ. जब वो बोलता है ओ डैम, तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है. तो गाइस लेट्स. बेबी तुम भी ना यार, सुबह सुबह कितना ज्यादा काम करती हो, पर कुछ भी कहो बड़ी कमाल लगती हो. एल्विश तुम भी ना सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हो. यार जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो उसके लिए ये सब तो नॉर्मल बात है ना. अब जल्दी से मेरे को एक छोटी सी किस्ती दे दो, जल्दी दे दो. तू साढ़े पनौती 2 मिनट लेट आ जाता ना, तेरे भाई की किस्सी हो जाती यार. दोबारा ट्राई करता हूँ. अबे ओ पागल, तू यहाँ सपने देखता रह जाएगा और वहाँ तेरी नेहा को कोई और ले जाएगा. अरे भाई मान ली तेरी शकल बहुत ज्यादा गंदी. यार एक चीज में और बोल दूं यार, मेरे को ना एल्विश यादव का ना जो हरियाणवी एक टच है ना, एक हरियाणवी सी टोन है ना, जो उसकी भाई साहब जैसे वो बोलता है ओ बावली है के, आई नो यू नो दैट व्हाट आई मीन. सो यस, तो बहुत सही बोलता है यार. गंदी है और तेरी बातें उससे भी ज्यादा गंदी है यार. कुछ अच्छा ना बोल सका तो भाई बुरा भी मत बोले करना प्लीज. तू मेरी गंदी को तो छोड़ ही दे, गंदी तो होने वाली तेरे साथ. मैंने कुछ लोगों को देखा था नेहा के घर के बाहर आते हुए, मेरे को लग रहा उसका हाथ मांगने आया है. उसको देखने आया बेटे वो. पर उसे देख के क्या करेंगे वो? अबे उसे ब्याह करेंगे ना उसे देख के यार. ब्याह के लिए तो मैंने देख रखा ना उसको. अबे तो घोड़ू, उनको थोड़ी ना पता है कि तूने देख रखा है, वो तो अपना रिश्ता पक्का. वो बोलना कुछ और चाह रहा था लेकिन घोड़ू बोल के उसने मैटर वहीं रफा दफा कर दिया. करने आए ओ डैम यार, ये तो गलत सीन हो जाएगा भाई. अभी चल रहे असला निकाला. भाई नहीं रुक जाओ, यही तो मेरी फेवरेट इसकी पंचलाइन लगती है मुझे यार. बैक वो तो अपना रिश्ता पक्का करने आए हैं. ओ डैम यार, ये तो गलत सीन हो जाएगा भाई. अभी चल रहे असला निकाला. असला असला भाई, असला तो नहीं है, तसला चलेगा. तसला है? अबे तसला उनकी टांट में मारेंगे का. असला निकाल भाई. भाई असला तो नहीं है, तो तसला ही लेकर चल रहे हैं. अरे ऐड आ गई. भाइयों के सीन चल रहा है भाई, जो भी सीन चल रहा है बहुत गलत सीन चल रहा है यार. पर एक सेकंड, घर पे तो तू मर्द का बच्चा बन रहा था कि असला मार दूंगा असला मार दूंगा. अब पार्ट गई. ओ भाई तैने मेरे तो दिया असला, पे तैने मेरे तो तसला दिया. असला देता ना तो भाई मार भी देता मैं. और भाई मेरी बात सुन यार, सोच इनके सिर पे बंदूक धर के इनके घर की छोरी भगा के ले जाऊंगा, भाई तेरा भाई हीरो बन जाएगा हीरो. पहले तो इस फिल्मी दुनिया से बाहर आ. एक काम करते हैं, इसके घर चलते हैं, इनसे फेस टू फेस बात करेंगे. और तूने तो कपड़े भी बढ़िया पहन रखे हैं भाई, यू आर लुकिंग टू गुड ब्रो. कहाँ से खरीदे? अबे यहीं से तो खरीदे, टू गुड ऐप से. टू गुड ऐप? ये कौन सी ऐप है? अरे भाई एक ऐसी एप्लीकेशन है यार, मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि किसी ब्रांड को प्रमोट करने के पैसे एल्विश को मिल रहे हैं, मुझे ना मिल रहे, तो मैं इसे फॉरवर्ड कर रहा हूँ. मेरे जैसे और भी स्टाइलिश स्टाइलिश लोगों के स्टोर है वहाँ पे, पर तेरा भाई सब ज्यादा स्टाइलिश है, समझ रहा? ओ भाई ये तो बड़ी सही ऐप है यार, इसको अभी डाउनलोड करता हूँ. रुक, पर भाई अपने को पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो लोग खड़े हैं इसके घर के बाहर, ये इसका रिश्ता पक्का करके गए हैं या नहीं करके गए या क्या करके गए हैं? भाई ये कुछ भी करके गए हो, अगर नेहा मेरे को नहीं मिली ना तेरी नस काट दूंगा. ओ भाई ओ, मेरी नस क्यों काटेगा यार तू? तो भाई मेरे को दुआ ना नेहा. चल मेरे भाई एक प्लान है, इसका जो भाई खड़ा है ना उस साले को जाके सेट कर लेते हैं.
ओ भाई देखिए कितना खड़ूस लग रहा है यार, थप्पड़ थप्पड़ मार दे। अबे यार तू इसकी शक्ल में मत जा भाई, ये सिर्फ शक्ल से स्ट्रिक्ट है, अंदर से तो एकदम हलवा हलवा एकदम नरम। मैं कितनी बात करता था यार मैं इससे कॉलेज में। पक्की बात है? पक्की बात है भाई, आजा। तो भाई इन दोनों बंदों की पेमेंट आ गई क्या जिनको हमने स्पा में मिलवाया था? नहीं भैया उधर रेड पड़ गई थी ना तो ले नहीं पाए। अबे लिया करो ना यार उसी टाइम। भैया जो गाड़ी अभी यहाँ से गई है आप जानते हो उनको? मेरे यहाँ से गए है ना तो जानता ही होगा ना। ये बात भी सही है, वैसे मैं जान सकता हूँ कि ये लोग यहाँ करने के आए थे हैं? बिजनेस के सिलसिले में आए थे। ओ अच्छा, बिजनेस के सिलसिले में आए थे। वैसे भैया किस चीज का बिजनेस है अपना? अपना तो वही प्यार मोहब्बत इश्क का बिजनेस है। प्यार मोहब्बत इश्क का बिजनेस? मतलब दो प्यार करने वाले बंदे आपस में मिल जाए, हमें तो इसी में मजा आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब आपका मैरिज ब्यूरो है ना? नहीं यार, नॉट एग्जैक्टली दैट, बट वो करण जौहर का फोन आया, एक बार चलना जरा। चलो गाइस, यू गाइस एंजॉय, मैं एक बार करण का फोन ले लूं। ओके भैया। भैया मत बोलो यार, तुम्हारी एज का तो हूं, कॉल मी मन्नू। ओके मन्नू। देखा तुझे बोली थी ना कि ये ऊपर ऊपर से स्ट्रिक्ट है, अंदर से तो एकदम नरम दिल का आदमी है, टेंशन मत लिया कर तू इतनी। अरे नरम तो ठीक है, पर इसने नूकत कही कि अपनी बहन की शादी मेरे से कराएगा। ओहो वो भी बोल देगा भाई, बोल देगा, थोड़ा सबर रख दूल्हे राजा। यार मैं थोड़ा बहमी आदमी हूँ तेरे पापा की तरह। वैसे तुझे ना लगा मैं इतनी दूर आया यार, एक बार मेरे को नया से मिल लेना चाहिए हैं। तो तुझे ये चीज सोचनी पड़ रही है? ऑब्वियसली यार, तेरी होने वाली बीवी है वो, तू जब चाहे तब मिल उससे। चल अब निकल, मैं निकलता हूँ। वो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, ये जो तरीका है ना भाई साहब हेलमेश यादव का, मुझे बहुत पसंद है यार। ये कुछ नया देखने मिला भाई। हाँ यार बॉडी क्यों से थोड़ी सस्ती सी पड़ रही थी, तो एक काम करते हैं बोलेरो निकलवा लेते हैं। और मेरी गुप्ता जी से तो बात हो ही गई है, उनके साइड से रिश्ता पक्का है, अगले महीने के एंड तक नेहा की शादी करवा ही देंगे। हाँ यार गुलाब जामुन भी रखवाएंगे, तुम्हें पता ही है मेरे को मीठा कितना पसंद है। हले मेरे हाथों दे विच मेहंदी दा भी रंग ना चढ़िया। भाई पहले ये तो बता दे कि तू रो क्यों रहा है। भाई मत पूछ यार, चल ठीक है नहीं पूछो। सुन भाई जिंदगी खत्म हो चुकी है भाई, क्या पता कल सुबह तेरे को मैं दिखूं या ना दिखूं यार। ओ भाई लेकिन कल तो 31 तारीख है ना, और अपने को तो रेंट भी लेने जाना है। अरे हाँ कल तो रेंट आएगा। तो भाई मैं परसों मर जाऊंगा यार। यार भाई तू बता तो तू रो रहा है, क्यों रो रहा है एक बार ही बता दे। भाई नेहा के भाई ने नेहा की शादी पक्की कर दी भाई, अगले महीने के एंड में चली जाएगी भाई, वो किसी और की हो जाएगा। ओ डैम, ओ डैम भाई तू उसके, वो किसी और की हो जाएगी क्या? ओ डैम भाई एक बार भाई वो किसी और की हो जाएगा। ओ डैम, ओ डैम तो भाई तू उसके भाई से डायरेक्टली जाके बात कर लेना। मेरा फेवरेट है यार ये डायरेक्ट। अबे डायरेक्ट तो मैंने कहा था नेहा से बात ना करे, उसका भाई से कैसे बोलूंगा। हां तो भाई सॉर्टेड है, एक काम कर के उसे भूल जा। तू इतने टाइम से मेरे साथ है पर मेरे को ना आज पता लगी कि तू तो सांप है। एक काम कर भाई, मेरे को ना हाथ पे डस ले, तेरे जहर से मर जाऊं, तेरे जहर से मर जाऊं, काट ले मेरे को। यार भाई तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बता रहा हूँ ये बात, जितनी भी बातें है ना सारी उसके भाई को जाके बोल दे, सब सीन सेट हो जाएगा। पक्की बात है? हाँ भाई, साले इसकी भाई की ऐसी कर यार, नया मेरी है। देख भाई मन्नू, सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, मैं नेहा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, ठीक है? तू मन्नू की बहन से शादी करेगा? वह मारी लौंडिया है और हम बताओगे वो किससे भाएगी, ठीक है? तेरी बहन। हाँ क्या क्या हो गया? तू तो उसके, अरे नहीं यार पक भाई से जाके बात करने वाला था ना सपना। भाई मैंने ना ये प्लान ड्रॉप कर दिया, वो साला मेरे का फालतू बोलेगा, तुझे पता मैं चटका देता हूँ, तो ऐसे रिश्तेदारी में लड़ाई करना अच्छी बात थोड़ी, तुझे पता ही है यार, समझ रहा होगा। है तो तू सही रहा भाई, तो फिर एक काम करना भाई, डायरेक्टली नेहा से जाके बात कर ले। यार नेहा से डायरेक्ट बात कैसे करूँ, तुझे पता तो मैं शाय हूँ यार, कोई इनडायरेक्ट तरीका बता ना। इनडायरेक्ट? ओ भाई मेरे पास एक प्लान आया,
तो एक काम कर, चिट्ठी लिख और उस तक पहुंचवा दे। ओ बेबी। अबे चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, पर उस चिट्ठी पहुंचवाने के लिए कबूतर कहां से लाऊं? कबूतर जाते हैं ओ फिल्मी कीड़े। कबूतर नहीं पहुंचवाना, खुद जा और देख क्या था करती तो बल्ले बल्ले। और भाई मना करती तो थल्ले थल्ले। मतलब भाई तेरा कोबरा भाई है ना, तेरा खुद डस लेगा। तो कोबरा भाई अब तू देखे, तेरा भाई ऐसा लेटर लिखेगा, ऐसा लेटर लिखेगा। कैसा? तुझे क्यों बताऊं मेरी फीलिंग्स, रजिस्टर का पेपर फाड़ तू। भाई बहुत ज्यादा सेक्सी, बहुत ज्यादा सेक्सी लव लेटर लिख दिया, फेंक दूं, है? फेंक दूं। एक एक मिनट। क्या कह रहा था? अबे यार एक बारी फेंकने से पहले दिखा तो देता उसके अंदर क्या लिखा था। भाई नू समझ ले, कुछ गलत ही लिख रखा, आर पार का सौदा कर दिया, आर पार का। अब आर पार का सौदा कर ही दिया तो फिर उसका वेट करता है कॉल और टेक्स्ट का। नो ब्रो, अगर वो भी मेरे से प्यार करती है ना तो वो भी चिट्ठी ही लिख के भेजेगी, मैंने उसमें बकायदा लिख के भेजा सेम चीज। समझ रहा भाई का लेवल? समझ रहा है? तो वापस किसने फेंक दिया इतनी जल्दी? कुछ लिख के भेज, चिट्ठी फेंकी तो फेंकी लेकिन इसके मुंह पे क्यों पड़ी? इसके मुंह पे पड़नी चाहिए थी ना एल्विश के। भाई मुझे झोल लग रहा है कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदी जो है वो इससे प्यार करती है लेकिन इससे नहीं। होता है यार ऐसे, लीड एक्टर में ऐसे हीरो अपने आप को थोड़े ना बड़ा बनाता है। जो बात तुमने आज लेटर में लिख के बोली है वो बात मुझे तुम्हें बहुत पहले से कहना था। अच्छा ही पहले सीन चल रहा था हमारा, पर हमेशा इस बात का डर लगा रहता कि तुम मुझे क्या अपना पाओगे। यार ये पागल हैगा। पर अब जब तुमने मुझे अपने दिल की बात बोल दी है, अब मुझे कोई डर नहीं है। भाई मुझे मानो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने जन्मों का प्यार पा लिया हो। भाई पागल हो जाऊंगा यार, पागल हो जाऊंगा भाई यार। कहाँ है? पर एक रिक्वेस्ट है कि तुमसे, कि तुम हमारे इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताओगे। डन है भाई, टॉप सीक्रेट बेबी, टॉप सीक्रेट यार। सुन लेना आगे, तो सुन ले और भी है, जो भी बात है अपने दिल में रखोगे, जब सही वक्त आएगा हम जरूर एक होंगे। भाई मेरे तो शरीर में करंट से दौड़ रहा है यार। करंट दौड़ रहा है, चल जा जाके सो जा। ओके गुड नाइट, राम ही है ये। आई लव यू, कल आऊंगा रिश्ता लेके। पर भाई मेरी बात सुन, मैं क्या सोच रहा था, अब जैसे मैं और नेहा ऑफिशियली कपल बन चुके हैं, मतलब वो मेरी होने वाली बीवी है, देखो मिल के आता ना उससे, लगे हाथों बच्चों का नाम भी डिसाइड कर लूंगा। अगर लड़का हुआ ना तो उसका नाम रखूंगा महेश भट्ट। अब भट्ट क्यों रखूंगा, यादव राव साहब यार। और लड़की हुई ना उसका नाम रखूंगा रिया चक्रवर्ती। अब नहीं यार वो भी यादव भाई, मजा आ जाएगा, चल रहे आ जा। भैया आप मेरी शादी ऐसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं जाऊंगा, इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी, मेरी। भैया वैसे सही तो कह रही है, पूछी पटके आपसे बात नहीं। भाई बहुत गंदा, नहीं भाई, भाई नहीं, भाई नहीं, इतना गंदा टमाट मारा है ना भाई साहब, दूर से ऐसे हाथ जा रहा है। एक सेकंड ना, ये देखो ध्यान। भैया वैसे सही तो कह रही है, पूछी ये देख, ये हाथ है इसकी, मैं इसकी टांग मारू, मैं पागल बना रहा है, ये पागल बना रहे है, मेरी चलेगी मेरी। भैया वैसे सही तो कह रही है, पूछी पट्टे। आपसे बात नहीं करनी, रुला दिया ना बिचारी को, पूछी पट्टे। भाई मेरी फ्यूचर बीवी ने धमका कैसे रहा, मैं इस साले की बुद्धि नाप दूंगा, तैने पता ही पूरा बदमाश है। अबे भाई थोड़ा सबर कर, ऐसे रिश्ते खराब होते हैं। तो भाई रिश्ते खराब करने के चक्कर में इसकी शादी कहीं और जान दूं क्या? तो घर की इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है ना यार। एक काम करते हैं, भाभी को भगा के ले जाते हैं, इसमें तो इज्जत बढ़ेगी ना, कि इस घर की छोरी भग रखी है, क्या इज्जत है इस घर की, साले बेकूफ। तो ठीक है फिर भाई, कहीं और हो जाएगी उसकी शादी। बेटे ऐसा तो मैं बिल्कुल ना होने दूं, अब तू मेरा सीन देखियो, तेरा भाई हीरो की तरह एंट्री मारेगा, गाड़ी में भगा के ले जाएगा छोरी और मंदिर में शादी कर लेगा। जल्दी पेन और कागज काट। अच्छा भाई लव लेटर तैयार हो चुका है, सिंपल शब्दों में सब कुछ क्लियर कर दिया, क्लियर फेंक दूं मैं। ओए एक सेकंड, फेंकने से पहले ना दिखा इसमें क्या लिखा है। भाई देख मैंने ना सिंपल लिख दिया, सुनो मेरी बात देख, ये दुनिया बहुत खिलाफ है हमारे रिश्ते के, क्या पता कल क्या हो, और मेरे से सबर नहीं होता कि भाई सिंपल बात है मुझे तुमसे शादी करनी है, अगर तुम्हें मेरे से शादी करनी है ना तो कल सुबह 4 बजे शादी के जोड़े में अपने घर के गेट पे मिलना, वहां से मैं तुम्हें उठा लूंगा और दोनों चल के मंदिर में शादी कर लेंगे, फिर सबको हमें अपना नहीं पड़ेगा। फेंक दूं? ओ भाई फेंक दे फेंक दे फेंक दे। लेकिन एक बात बता,
तूने पक्का सोच लिया ना कि तू नेहा को भगा के लेके जाने वाला है? ओ भाई साहब सीन सेट है, मेरी तो कुंडली में भी लिख रहा है कि मेरी लव स्टोरी अलग ही बनेगी। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वैसे भी मैं घर की रोज रोज की लड़ाइयों से परेशान हूँ, कल सुबह 4 बजे मिलते हैं। भाई अब सुबह 4 बजे आऊंगा मैं, इसको उठा के सीधा मंदिर मिलूंगा, वहां पे भाई एक सेक्सी से पंडित का जुगाड़ कर दे भाई। अबे पंडित की तो तू टेंशन ही मत ले, पंडित मूसे वाला रेडी बैठा ब्रो, मतलब कल मेरा ब्याह हो जाएगा ब्रो, डैड सीन कर देंगे। बेसिकली लड़की जो है वो लड़के से, दूसरे वाले लड़के से प्यार नहीं करती, इसी से करती है, तो इसी के साथ शादी कर रही है। लेकिन लेट्स सी आगे क्या है। मेरा बलमा बदमाश है। आई गया मेरा 2 साल का प्यार, कैसा लग रहा तेरा राजा? ओ शर्माया जा रहा। देखो भाई शर्माना तो बनता है, पर जब एक बार हमारे बालक हो जाएंगे ना, तब सारा सीन सेट हो जाएगा। अब सीधा मंदिर चल रहे हैं, शादी करेंगे और गाड़ी सीधा मंदिर पे रुकेगी। अभी स्टार्ट करें। अबे यार इस गाड़ी में क्या हो गया, अब इसका धक्का कौन लगाएगा? मेरा बलमा बदमाश है। अपने होने वाली दुल्हन से कौन लगवाता है गाड़ी पे धक्का? अरे यार एलविज भाई मार डालोगे क्या? ओ मेरा बलमा बदमाश है। लेकिन यार एक बात और, मेरे को ये लड़की लग ना रही किसी एंगल से। ओ मेरा बलमा बदमाश, ऐसे कौन सी लड़की धक्का लगाती है तो पैर खोल के? और भाई साहब इसकी पूरी बैक जो है मरदाना लग रही है मुझे। दूल्हे राजा के सेक्सी लग रहा है यार तू तो। मैं सेक्सी तो मैं हमेशा लगूं, मेरा ब्याह करवा दे, क्या सीन है तेरा? इतना ओवर एक्साइटेड लग रहा है ना भाई, लेकिन कुछ भी बोलो मस्त लग रहा है बेचारा, तो बहुत ज्यादा सही लग रहा है। भाई ने सीन एकदम सेट कर दिया, बस तुझे एक काम करना, थोड़ा ना जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि पंडित को किसी की तेरहवीं पर भी निकलना है यार। अबे यो कैसे गलत पंडित ने लेकर है जो तेरहवीं वेरवी में जा रहा है यार? ना 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 ना, गलत पंडित नहीं है बेटे वो, अभी किसी कुत्ते की शादी करवा के लाया वो, ठीक है ना? कुत्ते की साड़ी? अबे साड़े हम कोई कुत्ते लग रहे हैं? तू कितने सवाल जवाब, भाभी कहाँ है? भाभी तो अंदर बैठी है, और बाहर निकाल। आजा आजा आजा। आ भाभी रोनो, भाई रोनो, आजा आजा मेरे रोम अबे। आजा आजा। साड़े हाथ कैसे लगा रहा है इसको तू? सॉरी यार सॉरी यार। ओ यू किसका ब्याह हो रहा है? अपने को क्या, जिस मर्जी का ब्याह हो रहा हो यार। तू नू बता, वेल्स में पंडित, मेरे पंडित से मिलाओ मेरे को। प्रभु राज आ चुका था। ओ पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ के अभी ब्याह करवा दे जल्दी, अभी ले। ओ पंडित मुझसे यार। ओ पगड़ वाली गड़बड़ छोरी पत्थरगढ़ का बम, बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। पगड़ वाली क्यों चेंज मामा, लगदी लाहौर दिया पंडित बोहेमिया, और लगदी लाहौर दिया सामना चल दिया, और लगदी लाहौर दिया। भाई एक मिनट, ये कौन सा ट्विस्ट आ गया भाई साहब वीडियो में? फाक ओके, तो बेसिकली जो बंदी ये जिससे प्यार करता है वो बंदी किसी और से शादी कर रही है, और ये मुझे ऐसा लगा था कि वो बंदी इससे प्यार करती है लेकिन वो इसके साथ नहीं है, तो वो ये शादी किससे कर रही है और यहाँ पे कौन है? ओ पंडित मुसाले रुक, और तुम भी रुको। वो लौंडा वो है जो उसके साथ था क्या, करण का फोन आ रहा उसके साथ, उसका सेक्रेटरी, उसका वर्कर, आई डोंट नो हु ही इज। कौन है? केएलपीडी पता है तुम्हें क्या होता है? पता है तुम्हें क्या होता है केएलपीडी? उसका भाई सरासर एग्जांपल है ये केएलपीडी। भैया आप, अबे भैया क्यों बोल रहे हो, हम तो शादी करने वाले थे ना, 5 फेरे भी हो गए।
अरे फेरे तो मैं कैंसिल करवा दूंगा, ये कोई गोवा का ट्रिप है जो कैंसिल हो जाएगा। ओ तुम रुक क्यों रहे, रुक रुक, ओए रुके मत, बस चल चल चल। मैं क्यों करूंगा तेरे से शादी? पर तुमने तो लेटर फेंका था। लेटर? टेडिंग टेडिंग ये आई है, ये तो भाई भलता ही शॉट निकला है, ये रॉन्ग नंबर निकला भाई। अंदर से तो एकदम हलवा हलवा एकदम नरम, पर हमेशा इस बात का डर लगा रहता कि तुम मुझे क्या अपना पाओगे। तेरी तो कुंडली में भी लिख रहा है कि मेरी लव स्टोरी अलग ही बनेगी। अपना तो वही यार, प्यार मोहब्बत इश्क का बिजनेस है। पता है मेरे को मीठा कितना पसंद है, पर जब एक बार हमारे बालक हो जाएंगे ना तब सारा सीन सेट हो जाएगा। वो करण जौहर का फोन आया, एक बार चलना चलना। एक बार और देखना भाई का जाने के पहले सुबह। हेलो एवरीवन, वीडियो पसंद आई है तो भाई इसको लाइक कमेंट शेयर सब चीज कर देना। लाइक का एम है अपना 5 लाख का, ना भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों को बोलना क्योंकि हम 7 मिलियन के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो प्लीज करवा देना सब्सक्राइब गाइस। जरूर एल्विश यादव भाई के अगर 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले तो प्लीज जाओ सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें नहीं पता एल्विश चैनल का यादव, तो एल्विश यादव के चैनल अगर नहीं पता तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू हिज चैनल। एंड अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है, और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो और वीडियो देख के अगर आपको जीवन का थोड़ा सा भी आनंद मिला है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो and comment down below your favorite part of this video. मुझे वीडियो देख के बहुत मजा आया, इतने टाइम के बाद रिएक्शन करके कुछ अलग वे में रिएक्शन करके मुझे और भी ज्यादा मजा आया। ऐसे ही आगे बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस आते रहेंगे। I hope you guys will gonna be with me as जितना आपने मुझे अभी तक प्यार दिया है, 1300 सब्सक्राइबर्स हमने क्रॉस कर लिए हैं। Now we are so close for 1500 subscribers. जल्दी से जल्दी 1500 subscribers कराएंगे, फिर अगला aim रखेंगे। So guys, that is it in this video. I hope you have enjoyed this video. अगर पसंद आया तो like करो यार, बहुत मजेदार video था। And do not forget to follow me on Instagram. My Instagram link is in the description itself. So मिलते हैं अगले video में. That is it from my side. This is AJ Handa. Love you all. Peace out. Bye bye.